स्लेमेंट 40 स्मार्टफोन अंडर 90,000। तो यार आज इसी टॉपिक की बात करेंगे, बात करते हैं नंबर फाइव की बात करते हैं। लेकिन नंबर फाइव की बात करने से पहले भी मैं आपको इतनी चीज़ कह देना चाहता हूँ, आज मैं आपको 18,000 के प्राइस रेंज में भी स्मार्टफोन बताऊंगा, 19,000 अगर आपका बजट है आपके लिए भी बताऊंगा, 20,000 अगर आपका बजट है आपके लिए भी बताऊंगा, एंड अगर आपका बजट 20,000 से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है आपके लिए भी स्मार्टफोन बताने वाला हूँ, ठीक है। कैटेगरीज वाइज भी आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, गेमिंग के लिए बताऊंगा, मल्टीटास्किंग के लिए बताऊंगा, बिग बैटरी बताऊंगा, 40 स्मार्टफोन आपको सब कुछ मतलब बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप आउट मत करना, प्लस भाई वीडियो के एंड में मैं आपको कंक्लूजन भी बताता हूँ कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला, तो उसको मिस आउट मत किया करो, उसको चाउड करो बिकॉज वो आपके लिए ही बेनिफिट करेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं नंबर फाइव की बात करूं। नंबर फाइव पर यार मैंने रखा है पोको X3 Pro को। तो सबसे पहले मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। आपको सितंबर 2020 मॉडल देखने को मिल जाता है, आपको IPS LCD देखने को मिलेगी जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है, गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, प्लस डस्ट प्रूफ आपको स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन 816 देखने को मिल जाता है जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है, 3 वेरिएंट में स्मार्टफोन देखने को मिलता है, 6GB रैम के साथ 8GB रैम के साथ स्टोरेज वेरिएंट आपको डिफरेंट देखने को मिल जाता है, क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल के साथ 4K वीडियो शूट आप कर सकते हो, 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, 5160mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 33W का फास्ट चार्जर मिल जाता है, 3 कलर्स में देखने को मिलता है पोको X3 Pro। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया पोको X3 Pro के। अभी बात करते हैं कि ये स्मार्टफोन किन लोगों को लेना चाहिए। तो भाई अगर आपने गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, आप सभी के लिए परफेक्ट डील होने वाला है। अगर आप पोको लवर हो आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो, एंड अगर आपका बजट 18,000 है 19,000 है इस प्राइस रेंज में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, आप जरूर चेकआउट करना पोको X3 Pro को अगर आप पोको लवर हो। आगे बात करते हैं नंबर फोर की बात करूं। नंबर फोर पे यार मैंने रखा है सैमसंग की ओर से स्मार्टफोन। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने दो स्मार्टफोन रखे हैं, एक आता है सैमसंग गैलेक्सी M31S, दूसरी आता है सैमसंग गैलेक्सी M51। तो सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M31S की। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं ये स्मार्टफोन आपको लाइक 18 से लेकर 19,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर आपका बजट 20,000 है 20,000 से भी अपर थोड़ा सा जा सकता है, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं कि सैमसंग गैलेक्सी M51 आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला, बिकॉज उसमें आपको 7000mAh की बैटरी मिल जाती, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, प्लस अगर आपने गेमिंग करनी है तो सैमसंग गैलेक्सी M51 आपके लिए बेस्ट डील होने वाला है। मैं दोनों के मेन स्पेसिफिकेशन की बात आपसे कर लेता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M31S की, मैं जल्दी जल्दी में बताऊंगा बिकॉज वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जुलाई 2020 मॉडल देखने को मिल जाता है, 2 कलर्स में देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर में एंड ब्लू कलर में। आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ आती है। चिपसेट की बात करूं आपको एक्सनॉक्स 9611 देखने को मिल जाता है। तो गेमिंग के लिए ये स्मार्टफोन बेस्ट नहीं है, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, गेमिंग मल्टीटास्किंग के लिए लेना चाहते हो तो सैमसंग गैलेक्सी M31S मत लेना आप, ठीक है। 2 वेरिएंट में स्मार्टफोन देखने को मिलता है, ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 64 मेगापिक्सल के साथ, प्लस आपको 4K वीडियो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर मैं सेल्फी की बात करूं आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, सेल्फी में भी आपको 4K वीडियो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, 6000mAh की बैटरी मिल जाती है, 33W का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है, रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, फिंगरप्रिंट प्लस फेस अनलॉक वगैरह भी देखने को मिल जाता है। अभी मैं स्पेसिफिकेशन आपको बताने लगा हूं सैमसंग गैलेक्सी M51 के। तो आपको अगस्त 2020 मॉडल देखने को मिलेगा, आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ आती है, स्नैपड्रैगन 730G देखने को मिल जाता है जो कि 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। तो भी अगर आपने हाई सेटिंग पे गेमिंग करनी है आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो। 2 वेरिएंट में स्मार्टफोन देखने को मिलता है, 6GB रैम के साथ 8GB रैम के साथ, क्वाड कैमरा मिल जाएगा 64 मेगापिक्सल के साथ, आपको 4K वीडियो ऑप्शन मिल जाता है बैक कैमरे में भी एंड फ्रंट कैमरे में भी, आपको 32 मेगापिक्सल के साथ सेल्फी मिल जाती है, 7000mAh की बैटरी मिल जाती है। इस प्राइस रेंज में आपको 7000mAh की बैटरी किसी स्मार्टफोन में नहीं देखने को मिलेगी। अगर आपको बिग बैटरी चाहिए ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट डील होने वाला है। 25W की आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, रोज चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, 3 कलर्स में देखने को मिलता है, ब्लैक कलर में, ब्लू कलर में एंड व्हाइट कलर में। माइनस पॉइंट की बात करूं आपको लाइक प्लास्टिक फ्रेम में देखने को मिलेगा, तो केस डालकर यूज करना पड़ेगा सैमसंग गैलेक्सी M51 को। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया सैमसंग गैलेक्सी M31S के भी, एंड मैंने आपको बता दिया सैमसंग गैलेक्सी M51 के भी। अगर आपका बजट 20 से 21,000 हो जाता है तो मैं आपको रिकमेंड फिर से कर देता हूं सैमसंग गैलेक्सी M51 आपके लिए बेस्ट डील होने वाला है। लेकिन अगर आपका बजट 18,000 है 19,000 है या 17,000 है इस प्राइस रेंज में आपको सैमसंग गैलेक्सी M31S देखने को मिल जाता है, लेकिन वो गेमिंग के लिए मल्टीटास्किंग के लिए स्मार्टफोन नहीं है, इस चीज को आप ध्यान में रखना। लेकिन अगर आपको बिग बैटरी चाहिए, अच्छी डिस्प्ले चाहिए, अच्छा डिजाइन चाहिए, आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M31S, आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर थ्री की।
नंबर थ्री की बात करूं, नंबर थ्री पर यार मैंने रखा है मोटो जी 16 को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूं, मैं सीधा ही स्पेसिफिकेशन की सबसे पहले बात करता हूं आपको, लाइक अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूं, 17 से 18 हज़ार के प्राइस रेंज में मोटो जी 16 देखने को मिल जाता है आपको। IPS LCD देखने को मिलेगी जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलता है आपको। स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिल जाता है जो कि 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। अगर आपने गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, तो मोटो जी 16 भी आपके लिए बेस्ट डील होने वाला। आप इस स्मार्टफोन की और भी जा सकते हो। आपको सिर्फ एक वीड में स्मार्टफोन ये देखने को मिलता है 6GB रैम के साथ, प्लस आपको 128GB स्टोरेज मिल जाएगी, ठीक है। आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 108 मेगापिक्सल के साथ, आपको 4K वीडियो ऑप्शन मिल जाता है बैक कैमरे में एंड फ्रंट कैमरे में। 6000mAh की बैटरी मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग मिल जाती है 20W की, प्लस आपको फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक भी मिल जाता है। दो कलर्स में आता है, दोनों कलर स्मार्टफोन को बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, अभी बात करते हैं कि ये स्मार्टफोन किन लोगों को लेना चाहिए। अगर आप मोटो लवर हो, अगर आपने गेमिंग करनी है, अगर आपने मल्टीटास्किंग करनी है, अच्छी डिस्प्ले चाहिए, उसके बाद अगर आपको बिग बैटरी चाहिए, आप सभी के लिए ये जो स्मार्टफोन है बेस्ट डील हो सकता है। आप जा सकते हो मोटो जी 16 की और एक बार इसको भी आप चेकआउट कर लेना अगर आप चेकआउट करना चाहते हो। जो मोटो लवर हो, जो लिंक है, जो बाइंग लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, तो चेकआउट कर लेना। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो मिस आउट कर ही जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं पहले ही आपको सॉरी बोल देता हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं नंबर टू की। नंबर टू की बात करूँ, नंबर टू पर यार मैंने रखा है Realme 8 Pro को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ तो सबसे पहले इसका डिज़ाइन लुक वगैरह आपको पसंद आने वाला है एंड ये आपको 18 से 19 हज़ार के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है एंड आपको मार्च 2021 मॉडल मिलेगा। सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिल जाता है जो कि 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। दो विंड में स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, क्वाड कैमरा मिल जाता है 108 मेगापिक्सल के साथ, 4500mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 50W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, 4 कलर्स में आपको देखने को मिलेगा Realme 8 Pro। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Realme 8 Pro के। अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना, आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। इसका भी जो बाइंग लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप Realme लवर हो, गेमिंग करना चाहते हो, अच्छा कैमरा चाहिए, आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है Realme 8 Pro, आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर वन की। नंबर वन की बात करूँ, नंबर वन पर यार मैंने रखा है Redmi Note 10 Pro को या Redmi Note 10 Pro Max को। इन दोनों स्मार्टफोन में से जो भी आपको सही लगता है आप जा सकते हो। मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताऊंगा Redmi Note 10 Pro Max की। तो मार्च 2021 मॉडल देखने को मिल जाता है, 6.67 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, डिस्प्ले क्वालिटी बहुत सही है जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है, प्लस आपको Gorilla Glass 5Q प्रोटेक्शन मिल जाती है, IP53 रेटिंग मिल जाती है। चिपसेट की बात करूँ, आपको स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिल जाता है जो कि 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। वेड में स्मार्टफोन देखने को मिलेगा 6GB रैम के साथ एंड 8GB रैम के साथ। क्वाड कैमरा मिल जाता है 108 मेगापिक्सल के साथ, प्लस आपको 16 मेगापिक्सल के साथ सेल्फी मिल जाती है, 5020mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 33W का फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। 3 कलर्स में देखने को मिलता है Redmi Note 10 Pro Max। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Redmi Note 10 Pro Max की। अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना है आप जा सकते हो। तो यार अभी मैंने आपको टॉप 5 स्मार्टफोन बता दिए, कंक्लूजन की बात सीधा कर लेता हूं। तो यार अगर मेरा बजट होता 18,000-19,000 तो इस प्राइस रेंज में मैं जाता Redmi Note 10 Pro Max के यार पास या Redmi Note 10 Pro की ओर, ठीक है। तो अगर आपने भी जाना है आप जा सकते हो, लेकिन अगर मेरा बजट होता 20,000 या 20,000 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं जा सकता तो मैं सच में जाता Samsung Galaxy M51 की ओर, ठीक है। उसका जो चिपसेट है बहुत तगड़ा है, लॉन्ग बैटरी लाइफ मिल जाती, अच्छी डिस्प्ले, अच्छा डिजाइन लुक वगैरह भी बहुत ही ज्यादा अपर है। अगर आपने वो नहीं लेना तो Redmi Note 10 Pro Max या Redmi Note 10 Pro Max Pro जो है वो आपके लिए बेस्ट डील होने वाला है। आप इन दोनों स्मार्टफोन में से जो भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप मोटो लवर हो, Realme लवर हो या Poco लवर हो, वो भी मैंने आपको बता दिए, उनमें से जो आपको सही लगता है आप उसके और भी जा सकते हो। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड इंस्टाग्राम पे करो फॉलो, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। एंड अगर मैंने कोई भी चीज मिस आउट कर दी होगी तो उसके लिए मैं सॉरी, मैं जल्दी जल्दी में बोल गया बिकॉज मैं वीडियो का लेंथ ज्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहता। सो दैट्स व्हाई अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।